हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सब खैरियत से हैं। एंड वेलकम टू माय चैनल। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्टे ट्यून विथ मी। और आज ऑयल बनाने की प्रिपरेशन चल रही है। तुम्हें लास्ट व्लॉग में देखे रहेगा, ये वो भृंगराज के पौधे की तलाश में निकले थे ना हमें, तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे तोड़ ले गए थे। तो इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ऑयल बनाने से पहले। भृंगराज के फायदे तो तुम ना सबको बहुत मालूम रहेंगे। इसे हेयर फॉल को काम करता है, बहुत स्ट्रेंथन अप करता है बाल को। और जिम को जाको है ज्यादा हेयर फॉल हो गए, तो ये ट्राई करेंगे। लेट्स सी हाउ द रिजल्ट विल कम। तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इसमें जो भी दूसरे प्लांट्स के लीव्स वगैरह हैं उसे नहीं, मैं निकाल लेती हूँ, सेपरेट कर ले को इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ मैं लीव्स और उसके जो भी फ्लावर्स थे उसे अच्छे से सेपरेट कर लिया और मैं इसे वॉश कर लेती हूँ अच्छे से दो तीन बार नॉर्मल वाटर से। और ये मैं अच्छे से वॉश कर लूँ, इसे ड्रेन कर ले को मैं इसे सुखा लेती हूँ, पानी सब अच्छा सेपरेट हो जाना, नहीं तो ऑयल में ये होता है ड्राई होने मुश्किल होते हैं। तो मैं इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। और ये 60-70% ड्राई हो गए, लेकिन मैं अभी थोड़ा इसे ड्राई होने रखती हूँ धूप में बाहर बालकनी में। और तब तक मैं यहाँ लोहे की कड़ी ले को हूँ, इसमें मैं पानी डाल को गर्म कर ले रही हूँ थोड़ा क्लीन कर लेने, ये ऑयल के वास्ते ले को हूँ। सो आयरन की कढ़ाई में अच्छा ऑयल गर्म करे तो। और इसके साथ मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी लेकर हूँ, यहाँ मैं करी पत्ता, मेथी और कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी भी बहुत अच्छा स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाता है और करी लीव्स भी हेयर फॉल को हेल्प करता है। और यहाँ मैं कोकोनट ऑयल लेकर हूँ, 1/2 लीटर से थोड़ा कम है, यूज़ कर लेते हैं अम्मी तो 1/2 लीटर का हिसाब, लेकिन थोड़ा कम है उससे। तो मैं यहाँ इसे फर्स्ट थोड़ा ऑयल को गर्म कर लेती हूँ मैं यहाँ, और थोड़ा थोड़ा गर्म हो गए तो मैं यहाँ दूसरे इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट ऐड कर डालती हूँ, करी लीव्स, मेथी और कलौंजी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और नेक्स्ट यहाँ मैं मेन इंग्रेडिएंट भृंगराज ऐड कर रही हूँ। इसे मैं 10-15 मिनट्स तक स्लो फ्लेम में ऐसा पकने देती हूँ, ऑयल में इसका पूरा एक्सट्रैक्ट पूरा उतरना। और ये देखो ऑयल का कलर भी चेंज हो गए, ग्रीन कलर का हो गए, तो लीव्स पूरे अच्छा एक्सट्रैक्ट कर को हैं ऑयल में। तो इसे मैं ऑफ़ कर डालती हूँ, इतना काफ़ी है क्योंकि तो ऑफ़ करे के बाद भी ऑयल गर्म रहता है तो एक्सट्रैक्ट करते रहता है लीव से। और इसे हमें ऐसा ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। और इसे तुम्हें हफ्ते में 2 बार यूज़ करो, एटलीस्ट फॉर 1/2 आवर यू शुड कीप इट इन योर हेयर्स। स्कैल्प को अच्छे से मसाज करो। और मैं इसे यहाँ छान लेती हूँ, ये ठंडा हो गए तो ड्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से। मैं यहाँ स्टील का बड़ा लेको हूँ, जल्दी होता है बोल को, तो मैं कपड़े से भी कर सकती, कॉटन क्लोथ लेको भी अच्छे से स्ट्रेन हो जाता है। और मैं इसे स्टेन कर ले को इसे बॉटल में शिफ्ट कर लेती हूँ एंड इट्स रेडी टू यूज़। तो तुम्हें भी ट्राई करो और रिजल्ट मुझे कमेंट करो। And that's it for today guys, I'm ending this video here, lots of love and don't forget to like the video, share with your friends, do subscribe, Allah Hafiz.